नमस्कार मित्रों, अभी भी मौसम को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जल्दी राजस्थान के इलाकों में बरसात होने वाली है। पहाड़ों पर पहुंच चुका है WD पश्चिमी विक्षोभ तूफान के कारण राजस्थान के मैदानी इलाकों में बरसेंगे ओले और बारिश भी हो सकती है। मानसून है संपूर्ण उत्तर भारत सहित संपूर्ण मध्य भारत से विदा हो गया। अब उत्तर भारत में दो धीरे धीरे सर्दियों का दौर पसारने शुरू हो चुका है। बाकी बता दें, ठंड में तेज बढ़ोतरी करने के बाद एक बार फिर तीन नए WD उत्तर भारत की तरफ आए। WD ने पहाड़ों पर जबरदस्त दस्तक दी, जिससे जम्मू कश्मीर लद्दाख में बर्फबारी हुई। हालांकि खैर बात राजस्थान की बात करेंगे, आज 15 अक्टूबर दोपहर के समय मौसम बदलेगा, साथ ही साथ कई जिलों में बारिश जैसी गतिविधियां, कुछ जगहों के लिए बिखरी हुई हल्की बारिश, एकाध जगहों पर तेज बारिश या ओलावृष्टि की गतिविधियां होगी। साथ ही इस दौरान पहाड़ों पर बेहद सक्रिय WD आने वाला है 16 से 18 अक्टूबर के बीच, जिस कारण जम्मू कश्मीर लद्दाख अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, कुछ जगहों पर अति भारी बारिश भी संभव है। सभी ऊंचे पहाड़ों की सीजन की पहली भारी बर्फबारी होगी, उसके बाद ठंड बढ़ सकती है, सर्दी का आगाज शुरू हो सकता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कई जगहों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। अगर देखा जाए राजस्थान जिलेवार बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रभाव तो उत्तर पूर्वी पश्चिमी भागों पर रहेगा। इन इलाकों में अधिकतर जगहों पर हल्की मध्यम बारिश, एकाध जगहों पर तेजों के साथ भारी बारिश और भारी ओलावृष्टि की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बिखरी हुई हल्की से मध्यम बरसात होगी, कुछ जगहों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि, ओले गिरने की आशंका सबसे अधिक बनी हुई है। अगर देखा जाए तो 70 से 80-90% जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़ सहित श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, नागौर के कुछ एरियों पर सबसे अधिक असर बना रहेगा। 70 से 90% एरियो में इन सबसे ज़्यादा मौसम खराब रहेगा, या हल्के मध्यम एकाध जगहों पर तेज बारिश और कई जगहों के लिए भारी ओलावृष्टि की गतिविधियाँ इन जगहों पर रहेगा। हालांकि साथ ही आगे की जानकारी दे तो उत्तर भारत में अगला बारिश का दौर 21 से 22 अक्टूबर के आसपास आने की संभावना है। WD आने के बाद आपको लगातार उसके बारे में जानकारी देंगे। हालांकि 18 अक्टूबर के बाद मौसम खिलेगा, लेकिन उसके बाद 21 से 22 अक्टूबर के बाद एक बार फिर राजस्थान का मौसम काफ़ी ख़राब हो सकता है। आगे की जानकारी समय के साथ देंगे। साथ ही जो अरब सागर में ट्रॉपिकल सिस्टम एक्टिव होने की उम्मीद है, साथ ही अरब सागर में एक नया तूफान साइक्लोन तेज बन सकता है। हालांकि अभी तक ट्रॉपिकल सिस्टम एक्टिव होने की उम्मीद है, फिलहाल उसे आगे बढ़ने का रास्ता साफ नहीं है। कभी मॉडल इधर भी ट्रैक बता रहा है, कभी मॉडल इधर भी ट्रैक बता रहा है, फिर भी उम्मीद यही है कि उत्तर पश्चिमी दिशा में ओमान की तरफ फिर या पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकता है। अगर यह सिस्टम पाकिस्तान की तरफ आता है तो किसी न किसी WD के साथ मिलकर उत्तर भारत में बड़ी बारिश गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। बता दें ये तूफान साइक्लोन तेज के रूप में भारत से भी टकरा सकता है। इसकी ट्रैक के बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से रास्ते का पता नहीं चला है। हालांकि अभी इस सिस्टम पर हमारी नज़र बनी हुई है, आगे जैसा भी अपडेट देते रहेंगे हम लगातार उसके बारे में अपडेट देते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मौसम की हर लेटेस्ट जानकारी आपके साथ मिलेगी। धन्यवाद।